जय माई की। यह संसार बड़ा भयंकर है, हमेशा प्रत्येक प्राणी को, मनुष्य को कष्ट ही देता रहता है। और जो इस संसार से चिर परिचित हो जाते हैं, जो इस संसार को समझने लगते हैं, वे साधक इस संसार से हट जाते हैं, इससे विपरीत हो जाते हैं। और जब वे संसार के विपरीत हो जाते हैं तो यह संसार उन्हें भैरव कह करके पुकारने लगता है, उनकी अवस्था भैरवीय हो जाती है। भैरव ऐसा शब्द है कि भैरव को जिसने समझ लिया, जिसने थोड़ा सा भी जान लिया, वही तंत्र मार्ग में प्रवेश करने का अधिकारी होता है। तंत्र में अगर आपने भैरव को समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपने तंत्र में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, बहुत कुछ समझ लिया। साधक की जिज्ञासा है कि स्वर्णाकर्षण भैरव की तांत्रिक पूजा विधि पर चर्चा की जाए, तो आज की व्याख्या स्वर्णाकर्षण भैरव के ऊपर है। सर्वप्रथम यह जानते हैं कि यह जो स्वर्णाकर्षण भैरव है, यह दिखते कैसे हैं? तो पारिजात वृक्षों का वन है, माणिक्य का एक सुंदर सिंहासन है, उस सिंहासन पर स्वर्ण को देने वाले यह देवता विराजमान है। इनके हाथ में स्वर्ण का एक पात्र है जिसमें स्वर्ण भरा हुआ है, सोना भरा हुआ है। एक हाथ में डमरू है, त्रिशूल है, वर मुद्रा धारण किए हुए हैं। तीन इनके नेत्र हैं, सोने जैसी इनकी आभा है, जो चारों ओर आभा इनकी बिखर रही है, और इनकी देवी इनके साथ में है। ऐसा दिव्य स्वरूप है इन स्वर्णाकर्षण भैरव का। यह तो हुआ इनकी जो स्वरूप है, इनका विग्रह है, उसकी व्याख्या। पर जब देवता की विग्रह की व्याख्या होती है तो उनके यंत्र की भी व्याख्या करना जरूरी होता है, क्योंकि यंत्र देवता का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें देवता पूर्ण रूप से निवास करते हैं। तो इनका जो यंत्र है, वह यंत्र है, यंत्र में कुछ विशेष अधिक नहीं है, केवल एक षटकोण है और चारों ओर एक भूपर बना हुआ है। इस यंत्र का विधिवत पूजन करने के उपरांत ही इनकी साधना करने का अधिकारी होता है साधक। तो उसे पहले गुरु चरणों में बैठ करके इस यंत्र की पूजा सीख लेना चाहिए। श्री स्वर्णाकर्षण भैरव के दो विशेष मंत्र हैं, और उन दो विशेष मंत्रों को जपने की दो विशेष विधियां भी हैं। तो इनका जो एक मंत्र है, वह 100,000 की संख्या में उसका जप किया जाता है, और फिर उसका दशांश हवन किया जाता है। 100,000 की संख्या में इनका जो स्वर्णाकर्षण भैरव का मंत्र है, उसका जप करना है, और फिर उसका दशांश खीर से हवन करना है। फिर उसके बाद उसका दशांश तर्पण, उसका दशांश मार्जन, उसका दशांश ब्राह्मण भोज, और अंत में श्री गुरु का पूजन करना होता है। पर बहुत से साधक ऐसे होते हैं जिनके पास इतना धन सामर्थ्य नहीं होता, समय का सामर्थ्य नहीं होता कि वे इस तरह से इनकी साधना कर सकें। तो उनके लिए भी एक विशेष विधि बताई गई है, और वह विधि यह है कि इनके इन दोनों मंत्रों में से किसी भी मंत्र को 49 दिनों तक केवल 3 माला प्रतिदिन जपना है। 49 दिन तक बिना बीच में छोड़े हुए, एक दिन का भी बीच में छोड़ना नहीं होना चाहिए, एक दिन का भी गैप नहीं होना चाहिए। प्रतिदिन आपको 49 दिनों तक 300 बार इस मंत्र को जपना है, अर्थात 3 माला जप करना है। बस केवल इतना ही करना है तो आपको पूरा फल साधना का प्राप्त होता है।
स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना करने से साधक के जीवन में दरिद्रता का विनाश होता है। आगे चलकर कि हम इस पर चर्चा करेंगे कि वास्तविक दरिद्रता क्या है। तो दरिद्रता का विनाश होता है, साधक संपन्न हो जाता है, सभी तरह से संपन्न हो जाता है। इस तरह से इनके ये दो मंत्र हैं और इनकी दो तरह से साधना करने की विधि बताई गई है। हमने पहले भी आपसे कहा है कि भैरव एक ऐसा विषय है तंत्र का कि इसको समझ लेने के उपरांत बहुत कुछ तंत्र में आप समझ सकते हैं। तो यह जो भैरव होते हैं यह तीन प्रकार के होते हैं और इन भैरवों से तीन प्रकार के भैरवों से तीन तरह के कार्य साधकों के सिद्ध होते हैं। एक होते हैं सात्विक भैरव। सात्विक भैरव मोक्ष को देने वाले होते हैं और स्वर्णाकर्षण भैरव का संबंध बहुत कुछ इन्हीं भैरव से है। राजस भैरव धर्म अर्थ और काम को साधते हैं, अर्थात धर्मज्ञ साधक होता है और उसके जीवन में किसी भी तरह की कोई अर्थ धन की कमी नहीं रहती, सभी प्रकार की कामनाएं उसकी पूर्ण होती हैं। ऐसे कामनाओं को जो सिद्ध करने वाले भैरव हैं उन्हें राजस भैरव की संज्ञा तंत्र में दी गई है। उसके बाद आते हैं तामस भैरव। वर्तमान समय में आपको जो भैरव की साधनाएं चारों ओर दिखाई दे रही हैं उसमें अधिकांश जो साधनाएं हैं भी तामस भैरव की ही साधनाएं हैं। कहीं शमशान में कोई साधना की जा रही है, मांस मदिरा से साधना की जा रही है, तामसिक वस्तुओं से साधना की जा रही है, यह सभी इन तामस भैरव की ही साधनाएं हैं। तामस भैरव का एक ही कार्य होता है अभिचार। अभिचार अगर किसी के ऊपर कोई तंत्र क्रिया करना है तो आपको तामस भैरव के माध्यम से ही करना होती है, और अगर कोई की हुई क्रिया को काटना है तो भी आपको, किसी अविचार को दूर करना है तो भी आपको तामस भैरव का ही आश्रय लेना होता है, इनकी साधना करना होती है। तो तामस भैरव अविचार को काटने के लिए है और अविचार करने के लिए है, तंत्र क्रियाओं को करने के लिए भी है और तंत्र क्रियाओं को काटने के लिए भी होते हैं। श्री स्वर्णाकर्षण भैरव आपको मोक्ष भी देते हैं और जीवन में आ रही दरिद्रता को नष्ट भी कर देते हैं। पर आपको यह समझना होगा कि वास्तविक दरिद्रता क्या है। वास्तविक दरिद्रता वह है कि आप इस बात को समझ ही ना पाए कि जिन वस्तुओं के प्रति आपकी आसक्ति बढ़ रही है, बढ़ती चली जा रही है, सांसारिक वस्तुओं के प्रति, वही आपको जीवन में क्लेश, अशांति और दुख का कारण भी है। तो जो आपके दुख का कारण है आप उसी की ओर प्रतिदिन प्रति क्षण बढ़ रहे हैं, उसकी आसक्ति आपके ऊपर बढ़ रही है, और इसी ज्ञान के ना होने को दरिद्रता कहा गया है। यही दरिद्रता है और इसी ज्ञान से जो संपन्न हो जाते हैं वही साधक संपन्न कहे जाते हैं। तो जो ये स्वर्णाकर्षण भैरव हैं, यह स्वर्णाकर्षण भैरव स्वर्ण को देने वाले हैं, ये कोई सामान्य स्वर्ण नहीं है। जो तंत्र के विशेष तांत्रिक हैं, जो तंत्र की गहराइयों में उतरे हुए हैं, वे जिस शमशान को मानते हैं वह शमशान है, तंत्र के ग्रंथ जिस शमशान की व्याख्या करते हैं वह शमशान है इडा और पिंगला, दोनों नाड़ियों के बीच की जो नाड़ी है सुषुम्ना, इसको ही तंत्र शास्त्र में शमशान कहा गया है। और कुंडलिनी जागरण में जब इस नाड़ी के माध्यम से आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर जाकर ब्रह्मरंध्र में पहुंचती है
तो वहां से अमृत की वर्षा होती है। अमृत झड़ता है, स्वर्ण के समान झड़ता है, और इसी स्वर्ण को आकर्षण, इसी स्वर्ण के प्रति आपकी आसक्ति बढ़ाने के लिए, इसी स्वर्ण को खींचने के लिए, इसी स्वर्ण को प्राप्त करने के लिए जिस भैरव की साधना की जाती है, उसी भैरव को कहा गया है स्वर्ण आकर्षण भैरव। इस दिव्यता को, इस दिव्य आनंद को जब साधक प्राप्त कर लेते हैं तो उनको जीवन में कुछ भी अप्राप्त नहीं रहता, फिर वे कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दो ही प्रकार की अवस्थाएं हैं। आपने अगर संसारिक वस्तुओं को, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त कर लिया तो भी बहुत कुछ प्राप्त करने के बाद भी आपको ऐसा ही महसूस होता रहेगा कि कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, और आसक्ति बढ़ती रहेगी और वही दुख का कारण भी बनेगी। और अगर आपने इस आंतरिक स्वर्ण को प्राप्त कर लिया तो आप मालामाल हो जाएंगे, आपकी सारी आसक्तियां समाप्त हो जाएंगी। तो ये जो स्वर्णाकर्षण भैरव हैं, ये इसी स्वर्ण को देने वाले हैं जो आपको अंदर से भी मालामाल बना देते हैं और बाहर से भी मालामाल बना देते हैं। ऐसे स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, परंतु इस वास्तविक सत्य को समझने के उपरांत। अधिकांश बहुत सारे साधक लालच में वशीभूत होकर के, लालच के वशीभूत होकर के उनको लगता है कि स्वर्ण आकर्षण भैरव का अर्थ ही यही है कि वो स्वर्ण को आकर्षित करेंगे और बहुत सारा सोने की वर्षा हमारे यहाँ होने लगेगी। उसमें भी मंत्र में भी आता है हिरण्यम दापय दापय, यानी हिरण स्वर्ण दीजिए दीजिए। तो उन्हें लगता है कि यह जो सांसारिक स्वर्ण है, अभी इस मंत्र का जप करने से स्वर्ण के ढेर लग जाएंगे, और फिर भी लाखों जप करते हैं, जब कुछ नहीं होता तो व्यर्थ परिश्रम उनका जाता है और उनके मन में इस विद्या के प्रति उनके मन में एक विशेष प्रकार का अविश्वास जागृत हो जाता है। उनको लगता है ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जब तक आप आंतरिक स्वर्ण से मालामाल नहीं हुए हैं तब तक बाह्य स्वर्ण की परिकल्पना करना बहुत ही मुश्किल है। भगवत कृपा से, गुरु कृपा से संभव है कि हो जाए एकाध बार, पर यह तो केवल गुरु कृपा और भगवत कृपा, भगवती की कृपा, भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव की कृपा से ही संभव है। तो इस रहस्य को समझ करके ही साधकों को साधना करना चाहिए। आपके अगर कोई भी प्रश्न भैरव साधना से संबंधित हैं तो हमसे अवश्य आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जय माई की।